सर ये उन इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स की प्रोफाइल है जिन्हें ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस ग्रोह ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान से इन्हें राणा हसन ड्रग सप्लाई कर रहा है। अब ब्रिटिश पुलिस ये जानना चाहती है कि राणा हसन जो इस वक्त पाकिस्तान की एक जेल में कैद है, वो जेल में बैठे हुए इंटरनेशनली स्मगलिंग कैसे कर रहा है। अच्छा, और क्या डिटेल्स ब्रिटिश पुलिस ने आपको भेजी है, मजीद कोई एविडेंस वगैरह? नहीं सर, डिटेल्स तो कोई नहीं भेजी, अलबत्ता ब्रिटिश कोर्ट के साथ मिलकर एक म्यूचुअल कंसेंसस से एक लेटर ज़रूर भेजा है जिसमें वो राणा हसन के हवाले से ये पूछना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की कौन सी जेल में कैद है इस वक्त। देखो सर, एक काम करो कि उनको एक तसल्ली बख्श रिप्लाई दे दो कि राणा हसन इस वक्त पुलिस कस्टडी ही में है, और रही बात मुंशियात स्मगलिंग के केस की तो उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे। राइट सर। अच्छा, कराची FIA बात की? जी सर, FIA हेडक्वार्टर ने कराची सेंट्रल जेल से कॉन्टैक्ट कर लिया है। कोई अहमद नामी अफसर है जो राणा हसन की कराची सेंट्रल जेल मुंतकली के वक्त वहाँ तैनात था, वो आज भी वहीं पोस्टेड है। अगर आप चाहें तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दोनों को लिया जा सकता है। नहीं नहीं, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल का वक्त नहीं है, हमें कल नहीं आज ही कराची जाना होगा पहली फ्लाइट से। एज यू विश सर। और हाँ, कराची हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दो कि हम एयरपोर्ट से सीधे सेंट्रल जेल जाएंगे। राइट सर। तुम अपनी तैयारी करो। साहब, क्या आप अपने पूरे होश हवास में बयान दे रहे हैं कि आज से 3 साल पहले राणा हसन को रिहा किया जा चुका है? जी, इसमें कोई दूराय नहीं। पर किसके ही माँ पर? वफाकी वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर हैं शोएब मोहम्मद साहब। 2 मिनट। आइए। सर, हमें 3 साल पहले वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से ये लेटर मौसूल हुआ जिसमें हमसे राणा हसन की रिहाई के लिए रिक्वेस्ट नहीं की गई बल्कि हुक्म दिया गया था। अहमद साहब, आपने राणा हसन की केस हिस्ट्री पढ़ी थी? हाँ जी, बिल्कुल। एक शख्स बरतानिया में मंशियात की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है और पाकिस्तान का नाम रुसवा करके वो क्रिमिनल, उस क्रिमिनल को बरतानवी अदालत गिरफ्तार करके 25 साल की सजा सुनाती है जिसमें से 6 साल वो वहाँ कैद में रहता है। फिर तहवील मुजरमान के माहिदे के तहत उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता है इस भरोसे पे कि इसकी बाकी सज़ा पाकिस्तान में पूरी की जाएगी। लेकिन फिर सेंट्रल जेल कराची से उसको चंद माह में ही रिहा कर दिया जाता है। देखें सर, हम तो वफाकी वजारत दाखिला के मातहत हैं, हमें जो हुक्म दिया गया था हमने उसकी तकमील की। तो आपने अपने किसी आला हुक्काम से, FIA के किसी अफसरान से या वजारत दाखिला में किसी आला हुक्काम से कोई राबता करने की कोशिश भी की सिलसिले में? हमें कहा गया था कि बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला है, लेटर हेड वजारत दाखिला का ही था, पर वफाकी वजीर के दस्तखत भी थे, सेक्शन ऑफिसर शेख मोहम्मद साहब थे, तो बता बताएं मैं उन पर कैसे शक कर सकता था, इसमें मेरा क्या कसूर है? अहमद साहब, ये शोएब मोहम्मद क्या अब भी आपसे रबते में? नो सर, उसके बाद ना उन्होंने मुझसे कोई रबता किया और ना ही चक्कर लगाया। देखिए अहमद साहब, आपको हमारे साथ लूप में रहना होगा, और हाँ, एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखेंगे आप, ये खबर मीडिया को नहीं होनी चाहिए कि FIA राणा हसन को तलाश कर रही है, वरना आगे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सोहेल, इस्लामाबाद की वापसी की फ्लाइट कंफर्म करो, क्योंकि कराची हेडक्वार्टर में SSP मेहताब से मीटिंग से फ्री होते ही हमें वापस इस्लामाबाद जाना है। रिकॉर्ड में राणा हसन की फाइल नहीं है सर, आप देख लीजिए, सीरीज में एक नंबर मिसिंग है। अच्छा, ये ई-डाटा चेक किया आपने? जी सर, राणा हसन के नाम की एंट्री तो है लेकिन उसके क्रेडेंशियल्स एम्प्टी हैं। इसका मतलब है कि
शोएब मोहम्मद ने राना हसन को रिहा कराते वक्त तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की ताकि केस अगर कभी रीओपन होने भी लगे तो। अच्छा, शोएब मोहम्मद के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? 11 बजे आपके साथ कॉन्फ्रेंस रूम में होगा सर। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे पूछने तक उसे ही मालूम नहीं होगा कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। जी सर। वरना दूसरी सूरत में उसकी तमाम कम्युनिकेशन लाइंस यानी कि मैसेजेस, इंटरनेट, टेलीफोन सब पे एक नहीं बल्कि दो दो ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया है। गुड। अच्छा, ब्रिटिश एम्बेसी को रिप्लाई कर दिया? बस वही करने जा रहा हूँ। ठीक, देन सी यू इन कॉन्फ्रेंस रूम। ओके सर। मेरे ख्याल से वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर को अपने ही खतूत को पढ़ने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। वो जी वो अब आप ये कहना चाह रहे होंगे कि सर ऊपर से प्रेशर था तो उनका नाम भी बता दीजिए, उन्हें भी आपके बराबर बिठा देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वजारत दाखिला के अफसर हैं, साबका हो गए तो क्या हुआ, आसाब तो मजबूत होंगे ना, खुद ही बता दीजिए। जी हाँ, ये लेटर्स मैंने लिखे थे। ये जानते हुए भी कि राना हसन को बरतानवी अदालत ने मंशियात की स्मगलिंग का जुर्म साबित होने पर 25 साल कैद सजा सुनाई थी, और ये भी मालूम है कि 6 साल बरतानवी जेल में गुजारने के बाद तहवील मुजरमान के मुआहदे के तहत उसको बाकी 19 साल की सजा कराची सेंट्रल जेल में काटनी थी। जी, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि राना हसन को क्यों छुड़वाया, क्योंकि एक स्मगलर का किसी इंसान से बल्कि एक वजारत दाखला के इतने बड़े अफसर से ताल्लुक क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा है मुझे। रिहाई कैसे दिलवाई और कौन कौन मुलव्वस था इस केस में? नहीं, कोई भी नहीं था, मैंने खुद ही सेंट्रल जेल कराची से रब्ता कायम किया और उसके बाद। लेकिन सर, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो मुजरिम की 18 साल और 9 माह की सजा भी बाकी है। जी अहमद साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बरतानवी अदालत ने जिस मुआहदे के तहत राना हसन को हमारे हवाले किया है उसके तमाम मामलात की देखभाल मैं खुद कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ ड्राफ्ट भिजवा रहा हूँ, आप इन्हें सुकून से पढ़ लीजिए, इन लेटर्स में तमाम तफसीलात हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर जी अहमद साहब, आपको लेटर्स मिल गए? जी बिल्कुल। अब आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये मेरा जाती मसला नहीं है। वजारत दाखिला के इन कैमरा मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि राना हसन को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उस ग्रोह का असल मुलजिम राना हसन नहीं है, उसे फंसवाया गया है। पर शुएब साहब, अगर उन्हें सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया था तो बहुत सी चीज़ें बाद में खुली, और मैंने आपको वही लेटर्स भिजवाए हैं जो कि मिनिस्टर साहब ने आपको भेजने को कहा था, और उनके लेटर हेड पे उनके साइन से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा किया जो आप खुद आ गए। जी अहमद साहब, मुझे मालूम है कि तमाम काम इस्लामाबाद में बैठे बैठे नहीं हो सकते, एक दो चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, राना हसन से आप मीटिंग रूम में मिलना चाहेंगे या? जी बिल्कुल, मीटिंग रूम ही में, क्योंकि ब्रीफिंग के मुताबिक राना हसन से कुछ ऐसी बातें पूछनी है जो सबके सामने नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि मैं आप लोगों की मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ? देखिए अहमद साहब, आप तो जानते ही हैं ना कि डिपार्टमेंट की वजह से हमें कितना फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, और फिर असल मुजरिम तक पहुंचने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमें खुफिया रखने के लिए कही गई हैं, असल वजह ये है। ठीक। बस अब 2 हफ्तों के बाद आप बाहर होंगे। आधी रकम तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी है, बाकी जिस लम्हे मैं यहाँ से बाहर निकला अगले मिनट में वो भी मुंतकिल हो जाएगी, और फिर कुछ सालों तक बिल्कुल दिखाई मत देना, ख़ासतौर पर कराची और इस्लामाबाद में। इसका मतलब है कि तुमने काम कच्चा किया है
पक्का नहीं? नहीं, काम तो पक्का हुआ है, लेकिन... लेकिन क्या? देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सिर्फ मेरी भलाई या अपनी भी? तुम जो भी समझ लो, लेकिन अगर तुम कराची और इस्लामाबाद में नजर आए तो खुद भी लटकोगे और मुझे भी लटकाओगे। समझ गया। और हाँ, कुछ सालों तक अपना धंधा बंद रखना। अरे धंधा बंद कर दूंगा तो तुम जैसे लोगों के अकाउंट कैसे भरूंगा? अच्छा, अभी राणा हसन कहाँ है? मेरे रास्ते में नहीं है। सो एक काम करो कि इनके अकाउंट्स की डिटेल चेक करो, बैंक में इनकी ट्रांजैक्शन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, या अब भी कोई सिलसिला ऐसा चल रहा है। राइट सर। मुझे डिपार्टमेंट छोड़े हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मैं किसी से रابطے में नहीं हूँ। ये आपकी मर्जी है कि अंदर जाने के बाद उससे कोई रابطہ याद आएगा या अभी। हाँ, मैं डायरेक्ट तो राणा हसन से रابطے में नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक शख्स है वो जो उनसे रابطے में हो सकता है। यकीनन ये वही शख्स होगा जो राणा हसन के कैद में होते हुए आपके और राणा हसन के दरमियान तीसरा शख्स, मेरा मतलब है डीलर या... जी हाँ, मैं उससे एक दो बार मिल चुका हूँ। नाम? फैसल। फैसल। अच्छा, वो सुहेल एक काम करो कि फैसल की कंप्लीट डिटेल ले लो, पर हाँ आप यहाँ से घर नहीं बल्कि हमारे मेहमान खाने जाएंगे। और हाँ फैसल, मेरे अलावा इन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। राइट सर। शोएब इज अंडर अरेस्ट। जी हाँ, उसका इतराफ़ी जुर्म में हमारे पास रिकॉर्ड है, बाकी उसने एक टिप दी है फैसल, और फिलहाल हमारे पास फैसल ही एक वाहिद रास्ता है जो मैं राणा हसन तक पहुँचा सकता है। हाँ, मैं SSP मेहताब से कोऑर्डिनेशन में हूँ, लेकिन शायद हमें इस फैसल के पीछे कराची जाना पड़े। जी हाँ, आज हम यहाँ सब मौजूद होंगे और आपसे इस केस के डेवलपमेंट पर भी बैठ के बात कर सकते हैं। जी ठीक, ओके ओके। फैसल स्मगलिंग में राणा हसन का पार्टनर रहा है, इन दिनों कराची में है, अब अपना अलग काम करता है, लेकिन राणा हसन के साथ डीलिंग रहती है। शोएब मोहम्मद के मुताबिक फैसल पे राणा हसन अंधा एतमाद करता है। फैसल वैसे तो बड़ा चालाक है, लेकिन लालची होने की वजह से गलती कर सकता है। सर तुम एक काम करो कि सेंट्रल जेल कराची में अहमद साहब को एक बार फिर कह दो कि ये खबर मीडिया तक नहीं जानी चाहिए कि FIA राणा हसन को तलाश कर रही है। राइट सर। और हाँ, कल फेडरल मिनिस्टर साहब भी इन कैमरा ब्रीफिंग की सदारत कर रहे हैं, और वही मैं इस केस की ब्रीफिंग भी दूंगा। और हाँ, तुम कुछ कह रहे थे उस वक्त। जी सर, मैं कह रहा था कि राणा हसन यकीनन एक शातिर दिमाग आदमी होगा, और फिर फैसल स्मगलिंग में उसका पार्टनर भी रहा है, तो डायरेक्टली उसका एतमाद भी हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो सर, हम अपने प्लान में सेक्शन अफसर यानी शोएब मोहम्मद का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मतलब? सर, राणा हसन की रिहाई के टाइम शोएब मोहम्मद मुकम्मल तौर पर फैसल के साथ रबते में था, और फैसल जानता है कि शोएब मोहम्मद के एहसानात की वजह से आज राणा हसन जेल से बाहर है। अब अगर शोएब मोहम्मद फैसल को फ़ोन करे और कहे कि मैं उसका दोस्त सुहेल इंटरनेशनल स्मगलिंग में इसको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तो शायद उसकी कॉल करने पर फैसल हम पे भरोसा कर ले। ठीक है सुहेल, तुम प्लान को फाइनलाइज करो, और शोएब तो वैसे भी हमारी ही कस्टडी में है, जब चाहेंगे उसे इस्तेमाल कर लेंगे। श्योर सर। अच्छा, तुम्हारे सारे असाइनमेंट मैंने दूसरे अफसरान को दे दिए हैं, और इस केस के सिलसिले में कराची FIA से तुम्हारा साथ आमिर देगा। और हाँ, लीड तुम ही करोगे, और इस्लामाबाद FIA से मेरे अलावा तुमसे और कोई बात नहीं करेगा। राइट सर। और कराची में SSP मेहताब तुम दोनों को फॉलो करेंगे। हम कल रात कराची पहुँचे और वहीं हमें SSP मेहताब और आमिर ज्वाइन कर लेंगे। राइट सर। बस ठीक है, अपने कल की रवानगी की तैयारी करो। ओके सर, गुड लक।
सोहेल मेरे दोस्त का छोटा भाई है, मेरे सगे भाइयों जैसा। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत अच्छी साख है, तुम भी उसे अच्छी डील बना लेना। और हाँ देखो, ड्रग्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी तुम भी उतना फ़ायदे में रहोगे। वो दोनों कल कराची आ रहे हैं, मैं उन्हें तुम्हारा नंबर दे रहा हूँ, वो वहाँ पहुँच के रब्ता करेंगे, तुम बेफिक्र होकर मिल लेना। और आना से कहना कि ये शोएब के छोटे भाई हैं, अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो मुझसे फ़ोन पर बात करवा देना। ठीक है, ओके। परसों तुम लोग उनसे मिलोगे, और अगर दोबारा कॉल कराने की ज़रूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाकी उन पर मुकम्मल भरोसा करना, ये शोएब साहब का काम। गुड लक जवानों। और हाँ, राणा हसन और फैसल को एक लम्हे के लिए भी बेवकूफ़ समझना, और ना ही कमज़ोर, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। हमारी ज़रा सी भी गलती सारा गेम बिगाड़ सकती है, और हमारे पास इस गेम में हार की कोई गुंजाइश नहीं। हमें बरतानवी अदालत को सर उठाकर बहुत जल्द ये बताना है कि राणा हसन हमारे यहाँ जेल में सजा काट रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे सर, फैसल और राणा हसन को शो करने के लिए जो मनुष्य जिस मकदार में आपको चाहेगी आपकी एक कॉल पर चंद घंटों में आप तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है। और सुहेल, तुमने फैसल को कॉल किया? जी सर, मैंने कल रात मिलने के लिए बुलाया उसको। गुड, अब तुम लोग होटल जा सकते हो। होटल में चेक इन तो आज होगा, अब देखते हैं कि चेकआउट कब होगा। थैंक यू सर। I'm Suhail. Oh, welcome. ये आमिर है, मेरे साथ होता है। आपसे मिलकर खुशी हुई। Nice game. सारी पॉकेट्स बैलेंस रखते हो, किस बॉल को किस रास्ते किस मंजिल पे पहुंचाना है तो खूब जानते हो तुम। ठिकाना मालूम हो तो रास्ता निकल ही आता है। You don't miss any shot. Good. वो प्लेयर ही क्या जिसका शॉट मिस हो जाए और अगले को मौका ही नहीं देते। हाँ, सारा गेम खुद खेलते हो। मौका लिया नहीं बल्कि छीना जाता, छीन लोगे तो जीत जाओगे। आओ। शोएब भाई ने बताया था कि तुम्हारी कोई हिट मिस नहीं होती स्नूकर में भी। और अच्छा, तो बस हम भी छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, स्नूकर के भी और तुम्हारे गेम के भी। फर्क सिर्फ इतना है कि स्नूकर हम लाहौर में खेलते हैं और ड्रग्स सरहदों के पार। एफआई और कस्टम को आमिर डील करता है, जबकि शिपिंग कंपनी की क्लियरिंग फॉरवर्डिंग मैं डील करता हूँ। हाँ, शोएब भाई ने सब बता दिया फोन पे। हमें स्टफ की मकदार भी बहुत ज़्यादा चाहिए और वैरायटी भी। और हम ये भी जानते हैं कि कराची में जितनी अच्छी वैरायटी आपके पास है किसी और के पास नहीं। फैसल की खामोशी का मतलब है कि शोएब मोहम्मद की कॉल के बावजूद वो हमें जज करेगा। हाँ, जाहिर है यार, स्मगलर है, कुछ तो करेगा। तुम क्या कहते हो, क्या हमें एक बार फिर शोएब मोहम्मद से कॉल करवानी चाहिए फैसल को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वैसे भी उसने आज शाम मिलने का कहा है ना, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अगर वो डील की बात आगे बढ़ाएगा तो समझ लो मामला क्लियर है, अदरवाइज कुछ और सोचेंगे इस बारे में। अभी तक फ़ोन नहीं आया कि कब मिलना है और कहाँ मिलना है। अरे आ जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते। वैसे मैंने एसएसपी साहब को बता दिया था कि ड्रग्स के कुछ सैंपल बिल्कुल रेडी रखें।
फैसल को दिखाने के लिए ना? हाँ, अपने तौर पर भी तो उसका ट्रस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा थोड़ा शो तो करते रहेंगे ना। ये अच्छा किया तुमने। फैसल की कॉल है। जी फैसल। अच्छा 4 बजे। ओके डन, वील वेट फॉर यू। ओके 4 बजे आ रहे हैं। क्रिस्टल भी चाहिए, लेकिन आजकल चिट्टे की हीरोइन की डिमांड ज्यादा है। तुम्हें कितनी चाहिए? पहली खेप में 10 करोड़ की पहुंचानी है। यही कोई 50 पैकेट? 100 पैकेट मिल जाएंगे। इसके अलावा अब एक एक करके क्या गिनवा है? ये लिस्ट है, कैटेगरी, क्वालिटी, क्वांटिटी सब मेंशन है इसमें। परसों तुम दोनों को आना होगा। कहाँ? बता दूंगा। एस्टिमेट मैं दे दूंगा, डील राणा साहब करेंगे। राणा साहब मतलब? मिलोगे तो जान जाओगे। चलो ओके। फैसल एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? पूछो। तुमने कहा था कि खिलाड़ी को किसी साथी की जरूरत नहीं होती। खिलाड़ी को साथी की नहीं, उस्ताद की जरूरत होती है। गुड। क्या हाल चाल है फैसल? अभी बैठिए। थैंक यू। ये सुहेल है और ये आमिर, ये राणा हसन, मेरा मतलब है राणा साहब। खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी खुशी होगी, लेकिन डील होने पर। तो फिर आपको लिस्ट तो दिखा दी होगी फैसल ने? नहीं भी दिखाई होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड पहुंचाओगे कैसे? लास्ट टाइम हमने नमक के बर्तनों में हेरोइन भेजी थी, और उससे पहले फर्नीचर में भेजते थे। बाकी जो आप मशवरा देंगे उस पर भी अमल करके देख लेंगे। फैसल क्या कहते हो? मेरा मशवरा ये है राणा साहब के सर, फैसल तो ठीक है, लेकिन राणा हसन की आंखों और बातों दोनों में शक मौजूद था, इसलिए वो हर बात नोट कर रहा था। सर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शोएब से एक राणा को कॉल करवा दूं। बॉस मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं रहेगा, उससे कान और खड़े हो जाएंगे। वो सोचेगा कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो हमने दोबारा शोएब से राणा हसन को कॉल क्यों करवाई। और मेरी छठी इस कह रही है कि अगर राणा को ज़्यादा शक हुआ तो हो सकता है वो खुद शोएब मोहम्मद को कॉल करे। कोशिश करो कि उन्हें ज़्यादा सोचने का वक्त ही ना मिले। तो फिर जो डिमांड करें फौरन राजी होकर अगले स्टेप पर जाएं। हाँ, लेकिन उन्हें ये महसूस ना होने देना, बल्कि उन्हें ये तासुर दो कि तुम्हें उनसे ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, इसलिए तुम उनकी मुँहमाही कीमत राणा ऑफिसर को दे रहे हो। राइट सर। और स्पाई कैम का बैकअप कब लेंगे? ऐसे करो कल तुम दोनों मिलाओ, फिर देखते हैं। राइट सर। ओके। फैसल तुमने उन दोनों का क्या नाम बताया था? सुहेल और आमिर। हाँ वही। तुमने उन दोनों का अच्छी तरह चेक कर लिया ना? मेरा मतलब है कि भरोसे के राणा साहब आपके मोहसिन शोएब मोहम्मद साहब ने भेजा इन दोनों को। उन्होंने खुद कॉल करके कहा है कि जिस तरीके से आप उनका ख्याल रखते हैं इसी तरीके से इन बच्चों का भी करें। फैसल जो शख्स पैसे की खातिर मुझे बाहर निकलवा सकता है वो। अरे क्यों इतना शक करते हो राणा साहब? मेरे हिसाब से बच्चे ठीक हैं, काम करना भी जानते हैं, और साथ में FIA, पोर्ट, कस्टम सारी चीज़ों की क्लियरिंग उन्होंने करानी है, हमें तो सिर्फ माल पहुंचाना है। देख लो बाद में ये मत कहना कि हमें पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। खैर वो एडवांस देने कब आ रहे हैं?
कल वो लोग क्वालिटी चेक करने आएंगे तो मैं उन्हें कल ही अकाउंट नंबर दे दूंगा। 50% ट्रांसफर होगा तो पहली डिलीवरी होगी, तुमने बता दिया था ना उनको? जी हाँ बता दिया था। कराची में किस होटल में ठहरे हुए? पूछा नहीं, अपना फोन दो। राना बात कर रहा हूँ शुएब साहब। अरे भाई कहाँ हो और कैसे हो? ठीक ठाक। फैसल बता रहा था कि आपके कुछ अजीज बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में अपना धंधे के अंदर नाम पैदा करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने फैसल और तुम्हारे पास भेजा था मैं। अच्छा कब आएंगे कराची? अरे हाँ वो फैसल के बारे में तो मुलाकात का बताया था उन्होंने, तुमसे नहीं मिले अभी तक? नहीं नहीं, एक दो दिन में शायद मुलाकात हो जाए। आज मैं फैसल के पास आया था तो वो बता रहा था सारा केस, मैंने सोचा शुएब साहब से खुद ही सलाम दुआ कर लूं। और हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, बस अपना भाई समझ के डील कर लेना तुम। हाँ सुहेल मैं होटल आ रहा हूँ, तुम नीचे लॉबी में आ जाना, मैं 10 मिनट तक तुम्हें पिक करता हूँ फिर चलते हैं। हाँ फैसल का फोन आ गया है, फैसल की तरफ ही मिलेंगे और सैंपल भी वो वहीं टेस्ट करवाएगा। ठीक है। ये नंबर क्यों बिजी जा रहा है? फैसल मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। पिकअप पिकअप, फैसल फोन उठाओ। फैसल कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम्हें पता है कि वो आमिर? अरे राणा साहब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अभी मेरी आमिर से बात हुई है, वो लोग आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। आप किधर रह गए? मेरी तरफ सिग्नल का कुछ मसला हो रहा है, आप यहाँ पर आ जाए तो बात होती है, अगर कोई इमरजेंसी है तो। हेलो, अरे तेरे फोन की भाई मुतमईन हो? मैं तो मुतमईन हूँ, बाकी तुम भी देख लो। अब जब फैसल साहब हम पे इतना अंधा भरोसा कर रहे हैं तो हम इनके माल पे शक क्यों करें? माल तो तुम दोनों ने चेक कर लिया है, अब बातें घुमा के फायदा क्या? खैर ये कहाँ से लिया था? ये लाहौर में एक लाहौर में किससे? पुराना डीलर है लेकिन उसका माल भी कराची से ही आता है। किस रेट पर लेते थे? और अगर पुराना डीलर है तो उससे बात क्यों नहीं की? यहाँ पर आकर अपनी जान को खतरे में क्यों डालते हो? बस यूँ समझ लो कि उस बंदे में इतना तप्पड़ ही नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में हाथ डाल सके। अच्छा ये राणा साहब नहीं है अभी तक? इन दोनों के हाथ। क्या हो गया राणा साहब? चुप कर, मैंने तुझे कहा था ना ये दोनों बहुत मशकूक लोग हैं। जब मैं तुझे फोन कर रहा था तो उस वक्त ये एफआईआर के दफ्तर में दाखिल हो रहा था साला। अरे मुझे मालूम है राणा साहब, मुझे बता कर गया था आमिर, एफआईआर के जिस अफसर को पैसे खिलाने थे उससे मिलने गया था आमिर, मेरी फोन पे बात करवाई थी इसने, एडवांस में पैसे खिलाने पड़ते हैं। फैसल कहीं है तुझे भी? अरे राणा साहब अब आप भी ऐसा करोगे
शुएब से फोन पर बात करके तसल्ली नहीं हुई आपको? सॉरी गाइस, किस होटल में ठहरे हुए हो? जहां से आप पकड़े गए थे एक दफा, याद है? मजाक कर रहा हूं, चौको होटल में रुके हुए ये लोग। अच्छा, माल मैंने इन लोगों को दिखाया है, ये दोनों मुतमईन हैं, बाकी फाइनल डील आप करें। आप क्या कहते हैं? सुहेल, तुम्हारा पैन तो बहुत खूबसूरत है। आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। थैंक यू, माय प्लेजर। यार आमिर, मुझे बता तो दिया होता, तुमने तो कल रात को जाना था ना वहां पे। यार रात को मैं भूल गया था। मुझे तो लग रहा है कि राणा हसन को हम पे दोबारा शक हो गया। तुमने देखा ना कैसे स्पाई कैमरा के डर से हमारे पैन चेक कर रहा था? उसका शक दूर कब हुआ था? मेरी छठी बिल्कुल सही निकली। देखो, उसने शोएब मोहम्मद को भी कॉल की। अब फैसल को कब फोन किया तुमने? जब मैं एफआईए के ऑफिस पहुंचा तो गाड़ी से उतरते ही मेरी नज़र राणा हसन पर पड़ी। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगर मैं उस वक्त अंदर ना जाता तो उसका शक यकीन ही बदल जाता। अंदर जाते ही मैंने पहला फ़ोन फैसल को किया। और फैसल से किसकी बात करें? जाहिर है, कराची हेडक्वार्टर के एसएसपी मेहताब साहब के अलावा और किससे बात करवा सकता था। चलो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फैसल, राणा का दिल नहीं मान रहा कि ये डील होनी चाहिए। अरे राणा साहब, हर किसी को इतनी शक की निगाह से क्यों देखते हो? अरे तुम ही ने तो सिखाया था कि अगर धंधे में शक करोगे तो मारे जाओगे। वैसे ठीक तो कह रहा है फैसल, शुएब ने अपनी जान हथेली पे रख के तुम्हें जेल से निकलवाया है और सारा रिकॉर्ड गायब करवा दिया। अब तुम्हें उसके ऊपर इतना तो भरोसा होना चाहिए। बात भरोसे की नहीं है। खैर, तुम डिलीवरी कैसे करोगे और कब? उसका फोन आएगा सुबह। अगर कल वो पहला चेक दे देता है तो कल ही से डिलीवरी शुरू। उसने अपना एड्रेस क्या बताया है और पहुंचाना कहाँ है? कह रहे थे कि माल गोदाम से जब निकलेगा तो वो उसी वक्त बता देंगे कि कौन रिसीव करेगा और कहाँ से करेगा। ठीक है गुल, तुम तैयारी करो। ओके। गुली बाय एयर जाएगी। और हाँ, कल सुबह तुम उनको फोन कर देने का, पेमेंट लेने हम खुद आएंगे उसी होटल की लॉबी में और वक्त भी हम ही बताएंगे। ठीक है राणा साहब। अब तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है। हमें नादा है सर। सर आज की तारीख के जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। सर हम कल ही राणा हसन और फैसल को पहली पेमेंट देते हुए शो करा देंगे। और राणा हसन बहुत चालाक आदमी है, वो शोएब से बात करने के बावजूद उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। सर फैसल से मेरी बात हो चुकी है, पेमेंट के टाइम पे राणा हसन और फैसल दोनों का मौजूद होना जरूरी है, ये डन कर लिया मैंने। तो उसको बुलाओगे कहाँ? सर इसी होटल की लॉबी में। हाँ ये ऑप्शन सही रहेगा। मैं भी एसएसपी मेहताब से बात करता हूँ ताकि वो होटल के मालिक से बात करे, क्योंकि भाई हमें ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, हमें एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए ना। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मुझे उन दोनों को फोन कर लेना चाहिए। फैसल, कभी कभार इतला पहुंचने के बाद करनी चाहिए। खैर फोन कर लो तुम। और हाँ, उनको बता देना कि अब प्लान चेंज हो गया है, अब हम होटल की लॉबी में नहीं सी साइड पर मिलेंगे। हाँ हेलो सुहेल, मैं और राणा 10 मिनट में पहुंच जाएंगे।
बैंक ड्राफ्ट, चेक या कैश, जो भी है वो रेडी रखना। यहाँ पेमेंट हुई वहाँ माल गोदाम से निकल जाएगा, और उस वक्त तुम फोन करके बता देना कि कौन कहाँ रिसीव करने आएगा। एक बात और, प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब हम लोग होटल लॉबी में नहीं बल्कि सी साइड पर रेस कोर्स के मैदान में मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो लोग तैयार हैं। FIA इस्लामाबाद। राणा साहब, 19 साल की सजा बाकी है आपकी और आप यहां आजाद घूम रहे हैं। बहुत गलत बात। नहीं, ले चलो उसको, चलो।